गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म सुबह सुबह की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है एंड जहां पे आप लोगों को आज मिलने वाले हैं बैक टू बैक चैलेंजेस और उन चैलेंजेस में आपको लगातार बने रहना है और हर क्वेश्चन को ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है कि ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आप बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में और क्या डिसीजन लेंगे क्या आंसर आना चाहिए आपका वो सब कुछ आपको रह, 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 अभी ही डिसीजन लेना है अभी ही आंसर देना है और अभी ही करना है इन सारे क्वेश्चंस को जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी है आप लोगों के सामने राइट right? तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है अभी दे दीजिएगा आराम से लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाँ मैं बता देती हूँ एक सेकेंड हाँ प्रॉब्लम ये है यस yes, बिल्कुल सही बात है जब हम लोग कुछ नया स्टार्ट करते तो हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो सामने प्रॉब्लम बनकर खड़, खड़ी हो जाती है और उसकी वजह से हम लोग लेट हो जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं शायद सेशन होगा भी नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा था बट एनी हाउ सब कुछ सही हो गया एंड वी हैव स्टार्टेड द सेशन राइट तो द मेन थिंग इज दैट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अट इट इज गोइंग टू गिव यू अ चैलेंज बिट इज़ बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इट इज़ योर ड्यूटी टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स अपने कॉम्पिटिशन को बढ़ाइए फ्रेंड्स को बुलाइए और सबको बोल दीजिए कि हाँ ये सेशन लें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ये आप भी जानते हैं राइट चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो अभी के अभी ही आप लोग उसको सॉल्व करें अभी के अभी ही आप लोग प्रॉब्लम अपनी सामने रखें Have बीन के प्लेस पे been होगा बिल्कुल सही है पहला क्वेश्चन हाँ ध्यान रखिए ये जो क्वेश्चन हैं हमारे सामने गाइज ये क्वेश्चन लिए हुए कहाँ से हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना जानना ठीक है ये क्वेश्चन जो है हमारा थ्री मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि सी जी एल से लिया गया है जो अभी अभी क्वेश्चन आए थे राइट तो बताइए वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आर स्कूल बता ही दिया वैसे तो आपने यहाँ पे क्योंकि वन ऑफ द आ रहा है तो ये हमें बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जब भी वन ऑफ द आ जाता है ईच ऑफ द आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इधर नीदर इन सबके साथ नाउन हमारा प्लूरल होता है वर्ब हमारा सिंगुलर होता है राइट right? तो स्टार्ट uh, सही जो होगा हमारा वो फर्स्ट में होगा हैव की जगह बस हमें हैस करना है और कुछ नहीं करना है सब कुछ बाकी सही है इस क्वेश्चन में क्या हम लोग स्पीडी चले इस वाले में या हर एक में बहुत टाइम लगाए देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे आपके सामने हैं तो बस ये कुछ एग्जाम से हैं कुछ प्रैक्टिस से हैं कुछ इंप्रूवमेंट से हैं इस तरीके के क्वेश्चन है राइट तो आप लोग बोलेंगे वैसा करेंगे लेकिन आई वॉन्ट कि हम लोग थोड़ा सा स्पीडी चले इफ़ यू से यस हाँ गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी कुछ लोग काफ़ी लेट आए हैं कुछ लोग नए हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार देख रहे होंगे तो उन सभी का स्वागत है और जो लोग पुराने हैं उन लोग को मुझे बताना है कि आप लोगों को सेशन जो है स्पीडी चाहिए या धीरे धीरे करें है ना क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे आ गया है जल्दी से लग जाइए और विद रीजन आंसर्स देंगे आप लोग स्पीडी चलते हैं वेरी गुड थैंक यू देखो द प्राइम मिनिस्टर Along विद along विद आ गया है हमें पता है along विद आ जाएगा या टुगेदर विद आ जाएगा या इन एडिशन टू आ जाएगा या एज वेल एज आ जाएगा तो ये सारे जो है ना हमारे ये सब क्या हैं ये सब prepositional phrases हैं इनके साथ अगर दूसरा इनके बाद हमेशा एक दूसरा नाउन होता है जिसका नंबर यहाँ पे वर्व में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक्चुअली में ये होता है और ये दूसरा वाला जो है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा जो वर्ब होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा इसलिए जो राइट आंसर यहां पे होगा वो क्या होगा फोर होगा जहां पे हमें हैव की जगह हैज करना होगा ठीक है अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए आंसर देखिए

अभी फैसला नहीं हुआ है क्योंकि ईच एंड एवरी आ रहा है एक बात और दूसरी जो बात है वो ध्यान रखिए एवरीथिंग जो होता है ना जैसे एवरीथिंग होता है इसी तरीके समथिंग नथिंग ऐसा होता है नो no वन इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ भी हमारा वर्व हमेशा कैसा रहेगा हमारा वर्व हमेशा रहेगा सिंगुलर राइट right? तो यहाँ पे इज आएगा कौन सा वाला गलत होगा दिस वन वॉज इज आर की जगह इज आ जाएगा क्लियर सबका सही हो रहा है ना थ्री क्वेश्चन कर चुके हैं फाइव पे हम लोग रुक जाएंगे फोर कर रहे हैं अभी दो फॉलो is लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पहले सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद आप इसके आंसर्स को देंगे राइट इधर उधर की बातें ना करके पूरा फोकस क्वेश्चन पे करें डेविएशन बहुत होता है डेविएट ना हो आपको अपना टारगेट याद रखना है दूसरे को याद दिलाइए टारगेट अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो क्वेश्चन नंबर दस दोज हु फॉलो दोज वो लोग जो फॉलो करते हैं क्या एक हेल्दी रूटीन जो दोज हु फॉलो आ हेल्दी रूटीन इज लाइकली हम बात किसी करते हैं दोज की बात करें वो लोग जो फॉलो करते हैं हेल्दी uh, रूटीन को उनके बारे में बोला जा रहा है आर लाइकली टू एन्जॉइंग गुड हेल्थ यहाँ पे इसकी जगह आर आ जाएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है प्लूरल है इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा राइट यहाँ पे भी देखिए डेट चार मार्च 2020 यानी कि फोर मार्च का है CGL का एग्जाम का अभी का क्वेश्चन है लेटेस्ट टी पैटर्न और आप देख सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट रोल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्ले एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगी फाइव मार्च का है इसके पहले ओके okay, ये आगे बढ़ रहा है यानी कि हर रोज यानी कि हर रोज एक क्वेश्चन आ रहा है देखिए थ्री मार्च थ्री मार्च फोर मार्च एंड फाइव मार्च इट इज फाइव मार्च तो हर रोज एक क्वेश्चन आ रहा है इसका यानी कि इंपॉर्टेंट है आपने कॉल किया था जितनी भी बातें थी वो सब कुछ वंडरफुल थी इसीलिए मैंने कहा कॉलिंग करूंगी मैं आप सभी को बट कॉलिंग जो है वो नून टाइम में होगा बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई एंड आई एम स्पीकिंग फ्रेंकली मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके बहुत सारे स्टूडेंट से राइट और बहुत सारों ने कॉल भी नहीं पिक किया था तो बहुत सारे मिस भी हो गए अब टेक केयर ऑफ दिस कि हम लोगों की बात हो राइट चलिए इस वाले में माई ब्रादर माई ब्रदर ठीक है ब्रदर की बात और ये नहीं हमारा सब्जेक्ट है जो कि कैसा है सिंगुलर है ये हमारा सब्जेक्ट है ठीक है अब हु किसके लिए आए ब्रदर के लिए तो ये जो आएगा हु के बाद वो किसके लिए आएगा ऑब्वियसली इसके लिए आएगा तो ये लिव हमारा Plural है और ब्रदर हमारा कैसा है सिंगुलर है बस लिफ को हम लोग सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे वर्व में एस एस आई लगा के वर्व को सिंगुलर बनाया जाता है तो हम इसको सिंगुलर बना देंगे राइट आंसर थ्री होगा ये फाइव मार्च का क्वेश्चन है अगला देख लीजिए सिक्स मार्च का क्वेश्चन है यानी कि हर रोज आ रहा है क्वेश्चन एक या दो एक या दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? इसको देख लीजिए एवरी वन एक्सेप्ट शी हैव बाय एयर हर कोई उसके अलावा जितने भी लोग थे उन सब ने ट्रेवल किया बाय एयर यह बोला गया है लाइक like जरूर करिएगा अगर आपने सेशन को लाइक like नहीं किया है गाइस प्लीज डू लाइक इफ यू हैव नॉट लाइक द सेशन नाउ एवरी वन अब यहाँ पे भी वही ईच एंड एवरी का कंसेप्ट एवरी थिंग था यहाँ पे एवरी वन है और एवरी आ गया ईच आ गया तो हमारा वर्क कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है ठीक है अब देख लीजिएगा एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन है ठीक है यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है क्या करा है आप लोगों ने इसका राइट आंसर हैज करा है देख लीजिए एक और गलती है इसमें जो आप लोगों ने ओवर लुक कर दिया एंड दैट आई डोंट वांट क्योंकि टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है बट हमारे आंख नाक कान खुले होने चाहिए दिमाग पे पूरी इम्पैक्ट डालो कि दिमाग इसको नजर देख पाए नजर मार पाए क्या गलती हुआ संजय वेरी गुड देखिए संजय ने बता दिया एक्सेप्ट हमारा क्या है प्रेपोजिशन क्या है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें कोई प्रोनाउन प्लेस करना पड़े तो उसका केस क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए राइट तो यहाँ पे हैज तो आ हाँ जाएगा बट शी जो है हमारा वो भी गलत है एक्सेप्ट हर हैज ट्रेवल्ड बाय एयर ये होना चाहिए इज इट क्लियर टू एवरीबडी किस किस का गलत था आप बिल्कुल आराम से ओपनली बोल सकते हैं और जिसने सही किया है वो थम्स अप करिए जिसको याद आ गया कंसेप्ट वो थम्स अप करिए जिसको याद भी नहीं आया जिसका सही भी नहीं हुआ लेकिन जिसको समझ में आ गया वो भी थम्सअप करिए जल्दी से यहाँ पे थम्स अप कर दीजिए इसी के साथ आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पे सेवन इज हेअप जल्दी से करिए ये देखिए सेवन क्वेश्चन सेवन मार्च में से लिया गया है शिफ्ट शिफ्टीजियल प्री ट्वेंटी ट्वेंटी को हुआ था जिसकी प्रिपरेशन हम लोग लगातार कर रहे थे सभी का सही sure, हर सब ने दिया था आई so, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे द फेमस ऑथर एंड एक्टर और बीग ऑनर्ड एट अ फंक्शन टूडे फंक्शन में आज ऑनर किया गया फेमस ऑथर और एक्टर को आधा सही वेरी गुड याद भी आ गया है कुछ लोगों को कुछ लोगों का बिल्कुल सही भी है और कुछ लोगों का आधा सही है बट मैं यहाँ पे बता दूं आधा का मार्क नहीं मिलता है हाँ ऑप्शन पे मार्क्स जरूर मिल जाते क्योंकि दोनों एक ही जगह एक तो ये हो जाएगा इस आ जाएगा द फेमस ऑथर एक और गलती है इस सेंटेंस में जल्दी से उसको निकालिए देखिए क्या गलती है इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्टिलर इज अस्टेक गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड इट आउट मैं वेट कर रही हूँ कि कौन इसको ढूंढेगा आंसर बता देंगे डेफिनेटली सबको आ गया आंसर बट देर इज अस्टेक इन द क्वेश्चन वो आप लोगों को पता करना है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं वेदर इट इज क्लोज टेस्ट वेदर इट इज यू नो दिस पैराजल और कॉमन एरर हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार ग्रामर के क्वेश्चन में या ग्रामेटिकल सेंटेंस में गलती आ रही है वो यहां पे है तो आपको उसको भी बताना है मुझे कि क्या गलती है ठीक है द फेमस ऑथर एंड एक्टर ये तो समझ में आ गया कि जो पर्सन है वो एक ही है है ना ऑथर एंड एक्टर एक ही है इज बींग ऑनर्ड एट द फंक्शन द फंक्शन फंक्शन हो चुका है और किसी पर्टिकुलर फंक्शन में उनको अवार्ड मिला होगा सो so, अ जो है यहां पर ये गलत है इट शुड बी द ये दिया नहीं है पता नहीं क्यों ठीक है गलत है ये क्वेश्चन दिस इज टू बी देर क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे खत्म होता है मार्क्स नोट करना जरूरी आज मैं बिल्कुल नहीं उनको एंटरटेन करूंगी जो लोग मार्क्स नहीं बताएंगे मार्क्स बताते रहिए क्वेश्चन नंबर सेवन हो गया है एट पे हमारे को जाना है और फिर से सेवन मार्क्स यानी सेवन मार्च यानी सेवन मार्च का ये सेकेंड क्वेश्चन है राइट right? चलिए हाँ द फंक्शन Plenty of information were given to me at the tourist office. Tourist office में मुझे मिला क्या Plenty of information. बहुत सारा information मुझे मिला कहाँ पर मिला Tourist office में right? At the tourist office. जल्दी से बताइए याद आ गया देर करते हो ना आप लोग बार बार last में याद आएगा तो कैसे चलेगा सोचो बार बार इतनी मिस्टेक नहीं करो ध्यान रखो है ना हर वर्ड को आपको पता है इस एम आर वॉज वर में ही गलती होगी ये तो हमें हंड्रेड परसेंट श्योर है क्योंकि हम सब्जेक्ट वर् एग्रीमेंट देख रहे हैं लेकिन आंख नाक कान खुले रखिए दिमाग को पूरा एकदम यहाँ पे एम्फिसाइज करने के लिए बोलिए हर वर्ड पे गलती नहीं एक्सेप्टेड है ठीक है प्लैंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉज अब वॉज क्यों आया कोई यहाँ पे हाईलाइट करेगा इस चीज को क्योंकि हमें पता है वर नहीं वर नहीं आया तो वॉज आएगा बट द रीजन इज वॉट रीजन क्यों होगा हाँ बिल्कुल सही शाहरुख इंफॉर्मेशन जो है हमारा वो कैसा है अनकाउंटेबल नाउन है है ना और अनकाउंटेबल अगर नाउन होता है हमारा तो ये जो प्लेंटी है इसके साथ भी वर्ब हमारा अनकाउंटेबल हो जाता है राइट अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो ये प्लेंटी सॉरी यहाँ पे काउंटेबल होता तो प्लूरल होता तो प्लेंटी के साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल होता पर ये अनकाउंटेबल है इसलिए हमारा वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर होगा तो वर्ब की जगह वॉज यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दैट इज नाइन ये भी ये थ्री मार्च का ही क्वेश्चन है पर ये क्या है इंप्रूवमेंट अभी हमने क्या करा था कॉमन एरर मैं जैसा बताती हूं आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का ये ना सिर्फ इसमें आता है कॉमन uh, एयर में बट वी कैन ऑल्सो फाइंड इट इन इम्प्रूवमेंट ऑल्सो ना पर फिलर्स इसमें आज इंक्लूड नहीं किए पर हाँ उसमें भी आता है जैसा कि हम देख पा रहे हैं का ट्वेंटी सेवनटीन किया उसमें लगातार फिलर्स में यही क्वेश्चन आ रहे थे हैज हैव या वर वाले तो आते हैं ये उसमें है ना आइए इसमें चलते हैं नाइन में बी बोल रहे हैं अर्पिता द कैप्टन एज वेल एज प्लेयर्स है ना अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या ओके okay. दो चीजें हैं इसमें है ना हाँ दोनों मिस्टेक बतानी है बोल के बतानी है सिर्फ बी बोलेंगे काम नहीं चलेगा क्वेश्चन नंबर नाइन कर रहे हैं अब आप, आपने बता दिया है द कैप्टन ऑल्सो द प्लेयर्स वर तो ये गलती है एज वेल एज आ गया प्लेयर्स वॉज ये सही है देखो दो मिस्टेक क्या है एज वेल एज पूरा लिखा जाता है एक तो ये गलती है और दूसरी बात कि हमारा सब्जेक्ट कैप्टन है क्योंकि एज वेल एज प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट आएगा जो हमारा नाउन आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसी के कारण हमारा सब्जेक्ट जो है वो द कैप्टन है और इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब जो है वो आना चाहिए जो कि सिंगुलर होगा बिल्कुल सही ठीक है प्रेपोजिशन है एज वेल एज पूरा फ्रेज अगले वाले में चलते हैं इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर टेन का और क्वेश्चन नंबर टेन के बाद हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे टेन में से कितने मार्क्स आए हैं ठीक है थीके? इस पर डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरे सेवेंटी फाइव या सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन क्वेश्चन है हमारे सामने राइट right? क्या हुआ जिसने लाइक नहीं करा सेशन को वो लाइक जरूर करिएगा क्वेश्चन को ठीक है हाँ आई विश इफ आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल अगर आप अपने प्रिंसिपल होते आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या करते हैं अभी लॉकडाउन के लिए कौन सा स्पेशल अनाउंसमेंट करते थोड़ा सा सोचिए बताइए जब तक इसका आंसर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बी आएगा रीजन बताइए आई दिया हुआ है आई के साथ तो वॉज ही आता है पर यहां पे आप लोग वर बता रहे हैं राइट तो वॉज जो है आपके अकॉर्डिंग गलत है रीजन क्या है इसमें आई विश है है ना आई विश क्या होता है आई विश का मतलब होता है काश एंड दिस काश मेक्स द सेंटेंस इमेजिनेटिव क्या बनाता है ये सेंटेंस को इमेजिनेटिव बताता है बनाता है काल्पनिक बना देता है यानी कि इट इज नॉट रियल इट इज अनरियल अवास्तविक अनरियल है अवास्तविक है इमेजिनेटिव है काल्पनिक है इमेजिनरी है है ना सो so, इमेजिनरी है इसलिए आई के साथ हमने वर का यूज किया है क्योंकि वर जो होता है वो क्या होता है पास्ट सब्जेंटिव मूड बेस फॉर्म यूज करता है छुट्टी करके ऑनलाइन पढ़ाते वो तो सब कर रहे हैं फिर आपने नया क्या किया राइट बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर टेन हमारा सही हो गया अब मैंने बोला था यहां पे रुकेंगे इसको हटा रही हूं मैं अब आंसर आ गया आप सभी का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है ये बताइए टेन में से कितना स्कोर किया क्विकली फास्ट सब लोग बताएंगे स्कोर अपना टेन में से

ये है केवल विश, ना? विश किया गया है इमेजिनरी तो राइट आंसर हमारा सही है आंसर तो नाइन पॉइंट नहीं हो पाते हैं क्यों एक ही जैसा होता है डॉली के दो आए आप लेट आए हो मोहित लेट आए हैं गलत बात इतना मैंने आप लोगों को बोला डेडिकेशन होना चाहिए पंक्चुअलिटी होना चाहिए आप लोगों ने फिर भी आप लोग लेट आए देखिए फिर भी हमने दस क्वेश्चन किए दस में से जो एवरेज है वो नाइन और एट का एवरेज है जिन लोगों ने पूरा किया है है ना बहुत सारे लोगों के थोड़े से कम आए हैं टेन भी आए बहुत सारे लोगों के टेन आए गुड लक टू यू ऑल नेक्स्ट ट्वेंट टेन के बाद फिर से हम लोग ये एनालिसिस करेंगे आइए चलते हैं नेक्स्ट टेन के लिए बिल्कुल स्पीडी द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज आप टू रुपीज सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी पर के जी इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री अब जरा सर यहां पे भी नजर मान लीजिए आप लोग इस पे, चेंज हो गया है अब हमारे सामने क्वेश्चन हैं एस एस सी के सीपीओ में 2019 में ये क्वेश्चन आया था यानी कि अब एग्जाम चेंज हो गया है लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे टॉपिक पे नहीं आएगा टॉपिक सीपीओ हो सीजीएल हो कुछ भी हो सब में सेम होता है The prices of tomatoes, the prices of tomatoes. सेंटेंस पढ़ते ही हमें समझ लेना है इतना टाइम नहीं लगाना ये हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें दिखाई दे रहा है प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन इसको तो ऑब्जेक्ट बना देगा तो हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या हुआ ये ही हुआ इसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना चाहिए यहाँ पे हैज दिया हुआ है इसको हम प्राइसेस के अकॉर्डिंग हैव कर देंगे आगे बढ़ लेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में सही है आप सबका जैसे ही सही हो जाता है तो हम करा करें गाइस प्लीज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर से टोमेटो आ गए हैं सीपीओ में ही नाइन दिसंबर में ही हैं, है ना और सेकंड शिफ्ट पहला क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट वाला पहला क्वेश्चन था ये देखिए प्राइसेस ऑफ ओ आई एम सो सॉरी ये देखिए शिफ्ट टू सेम शिफ्ट सेम शिफ्ट है दोनों सेम शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए टोमेटो सोन अराउंड जुलाई इन द सदन स्टेट आर हार्वेस्टेड इन ऑक्टूबर ये क्वेश्चन करेंगे टोमैटो सोन अराउंड जुलाई इन द सदन थोड़ा सा टिपिकल है सोचो सोचो फिर आ जाएगा आप लोगों को आंसर आ जाएगा आराम से थोड़ा सा सोचने की जरूरत है लेटमी चेक यू कितना आप लोग दिमाग का यूज करेंगे ट्वेल्व का सी बता रहे हैं ओके okay. ट्वेल्व में सी क्या है टमेटो सो अराउंड जुलाई ओके और बिताइए और ढूंढिए थोड़ा सा मिलेगा सी फिलर्स वाला एक्सरसाइज देखो जो मैंने फिलर्स वाली प्रैक्टिस करवाई है ना पूरे थ्री हंड्रेड सिक्सटी क्वेश्चन की दो वीडियोस हैं उन दोनों में देखिए आप फिलर्स वाला स्ट्रैटेजी मैंने वहां पे बताई हुई है कैसे करना है अटेम्प्ट कैसे वो कैप को काम करना है वो सब मैंने वहां पर बताया हुआ तो आप देखिए देखिएगा इस ट्वेल्व नंबर जो क्वेश्चन है ना इट इज एप्सोल्यूटली राइट ठीक है टमैटोस विच आर सोन बी के बाद अब थर्ड आते हैं आ गया अराउंड जुलाई वो टमाटोज जिन्हें सोन किया जाता है जुलाई के अराउंड में सदर्न स्टेट्स में हार्वेस्ट किया जाता है उनको अक्टूबर में ये बोला जा रहा है इस सेंटेंस में अब देखिए डब्लू एच हटाते ही हेल्पिंग हाँ, वर्ब हटाते ही डब्ल्यू एच हटा दी टेंस की पहचान हटा दी जिससे कि आप समझ नहीं पाओगे कौन से टेंस का राइट तो हो गया सही है कोई गलती नहीं है राइट आंसर इज ए ट्वेल्थ थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड था क्योंकि ट्वेल्थ इस टॉपिक का नहीं था ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी आप ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है ये भी सेम एग्जाम का ही क्वेश्चन है नाइन डिसेंबर शिफ्ट टू एक ही एग्जाम में क्वेश्चन देख लीजिए एक जैसे जिसने सेशन को लाइक like नहीं किया है वो लाइक like कर दीजिएगा आंसर बताइए नोट डाउन माय फोन नंबर नोट डाउन कर लो क्या मेरा फोन नंबर क्यों इन केस इन केस हो सकता है इफ यू Needs to ring me. अब तुम्हें जरूरत पड़ जाए मुझे कॉल करने की तो मेरा फोन नंबर ले लीजिए राइट हाँ, अब यू लिखा हुआ है यू के साथ हमारा वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है ना हमेशा वर्ब प्लूरल आता है अब नीट हमारा वर्ब है वर्ब है इसमें एसी या एसीआई लगा दें अगर तो ये सिंगुलर हो जाता है पर हमें तो वर्ब प्लूरल चाहिए इसलिए इसमें एसीआईएस नहीं लगाएंगे तो नीट यहां पर राइट right होगा ऐसा हटा दो नीड यहां पे राइट होगा ए इसका राइट right आंसर है चलिए फोर्टीन आ गया अब स्टेनो का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने राइट right, बिल्कुल सही है अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे स्टेनो का क्वेश्चन है नीदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर्स इज एट होम ना तो फादर है और ना ही ब्रदर है घर पे अब देखिए नीदर नॉर का यूज चल रहा है neither nor का यूज चल रहा है neither और nor में क्या होता है neither और nor जो है ना हमारे इनके साथ जब दो सब्जेक्ट्स आते हैं इस तरीके से तो जो वर्फ के पास वाला सब्जेक्ट है वर्फ के पास वाला जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार हमें वर्फ लगाना होता है अगर ये सिंगुलर है तो वर्फ सिंगुलर होगा अगर ये प्लूरल है तो वर्फ कैसा होगा प्लूरल होगा बस इतना ही करना है ये सिंगुलर तो वर्फ सिंगुलर ये प्लूरल तो वर्फ प्लूरल तो यहां पे देखें ये कैसा है प्लूरल है तो वफ कैसा होगा प्लूरल होगा इसलिए जो इज इस है हमारा वो गलत हो जाएगा आर को हम करेक्ट करेंगे और टेंस का क्वेश्चन नहीं है इसकी जगह हम बॉज नहीं लगाएंगे फोर्टीन आर ठीक है बिल्कुल राइट right? चलिए फिफ्टीन पे चल रहे हैं ये रहा फिफ्टीन जल्दी से करेंगे फिफ्टीन को द रूल्स ऑफ चेस रिक्वायर दैट वन मेक मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम रूल्स ऑफ चेस चेस के रूल्स क्या हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है ठीक है चेस के रूल को रिक्वायर होती है आवश्यकता होती है जरूरत होती है क्या आवश्यकता जरूरत होती है दैट की वन मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम कि कोई भी व्यक्ति एट अ टाइम एक ही मूव करे तो देखिए गाइज ये सब्जेक्ट जो है रिक्वायर लिखा हुआ है वन लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट जो है वन है है ना अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा मेक्स होगा सिंगुलर वर्ब है हाँ, रिक्वायर रिक्वायर वन मेक्स राइट ठीक हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मिस्टर जैन इज अ बस ड्राइवर एवरी डे ही अप एट फाइव एम स्टैनो का क्वेश्चन है अगेन फिर से स्टैनो का क्वेश्चन है ठीक है स्टैनो का क्वेश्चन है यानी कि आप लोगों को देखना देखो टू थाउजेंड नाइनटीन का ही क्वेश्चन है स्टैनो, सीपीओ सी एच एस एल सब में क्वेश्चन सेम आते हैं राइट right? ध्यान रखिएगा इस चीज को जल्दी से आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग और सिक्सटीन का राइट आंसर सिक्सटीन का राइट आंसर मिस्टर जैन इज अ बस ड्राइवर मिस्टर जैन जो है वो क्या है बस ड्राइवर है एवरी डे हर रोज ही हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ प्लूरल वर्ब दे दिया गया है गेटअप दिया गया है क्या हो जाएगा गेट्स अप मुझसे बात करनी है नून में आप लोगों के पास फोन आता है मेरा आप मैसेज करके छोड़ दीजिए अपनी डिटेल बता के आपके पास कॉल आ जाएगा गेट की जगह क्या हो जाएगा गेट्स क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है वफ को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करें एस लगाएंगे वफ को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगा देंगे तो एस लगा देंगे बस सही हो जाएगा गेट्स अप ठीक है चलिए किसी को कोई भी गलती लगे ना तो बोलिएगा अभी ही इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा था ये आएगा तो बताइए ये क्यों नहीं आया ये जरूर अभी से ही पूछ लिया करें ठीक है अगला क्वेश्चन द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली बर्थ ऑफ अ गर्ल द बर्थ द बर्थ ऑफ अ गर्ल देखो जब तक वव नहीं आता है ना गाय एक चीज समझ लीजिए यहां वर्व है जब तक वह नहीं आता ना ये पूरा क्या होता है सब्जेक्ट एक शब्द से ज्यादा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं सब्जेक्ट फ्रेज कह सकते हैं अब सब्जेक्ट फ्रेज में हमें एक से ज्यादा नाउन नजर आ रहे हैं एक नाउन ये नजर आ रहा है दूसरा नाउन ये नजर आ रहा है राइट लेकिन जब ऐसा हो रहा है ना एक से ज्यादा नाउन है तो ये वाला नाउन और ये वाले नाउन दोनों को ध्यान से देखिए एक नाउन प्रेपोजिशन के पहले है एक नाउन प्रेपोजिशन के पहले है और दूसरा नाउन प्रपोजिशन के बाद में है ठीक है ये वाला नाउन जो है ना बर्थ ये प्रेपोजिशन के पहले है और दूसरा वाला बाद में तो जब ऐसा होता है तो प्रेपोजिशन के पहले वाला ही हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट बनेगा प्रेपोजिशन के बाद वाला जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है आता है ये सब कुछ सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ तो द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग्स है ना अब ब्रिंग्स हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली नेहा की फैमिली में ग्रेट जॉय लाता है ऐसा नहीं लगता कि यहां पे हो सकता था ज्यादा अच्छा होता है ना ब्रॉड ज्यादा अच्छा होता क्योंकि हैपन हो चुका है ऐसा यहां पे लिखा हुआ लग रहा है राइट ये एक्शन तो है नहीं इसलिए नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं बात करूंगी पुनीत मैं आपसे आपको जो प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में भेजिए मेरे से बात करने के लिए आप कल सुबह दस बजे का वीडियो देख लीजिए वो पूरा मैं रिपीट नहीं करूंगी फिर आप मुझे मैसेज करना ठीक है

देखो हाँ सिंगुलर होगा बिल्कुल सही है प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट कहा गया देखिए इस प्रसाद, मीटिंग पीपल, लोगों से मिला। प्रसाद ने रिकॉल क्या किया मतलब उसको याद आता रहता है कि मीटिंग पीपल मीटिंग पीपल का मतलब क्या है लोगों से मिलना ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक न्यू बात बताने जा रही हूँ अगर इनकेस आपको नहीं पता है जो अभी तक नहीं आया है है ना ये क्या है मीटिंग पीपल लोगों से मिलना लोगों से मिलना लोगों से मिलना ये क्या है हमारा ये जीरण है ध्यान दीजिए कि जीरण जो है हमारा वो भी सब्जेक्ट बन सकता है और इन्फिनेटिव भी ऑब्जेक्ट बन सकता है तो जब सब्जेक्ट और जीरण की जगह उस पर जीरण अगर हमें नजर आए तो क्या होगा तो ये होगा ये जीरण हो या इन्फिनेटिव होगा इनके साथ हमेशा सिंगुलर आता है इनके साथ कैसा आता है ऑलवेज सिंगुलर कैसा आता है ऑलवेज सिंगुलर तो हैव की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा हैज का हम इस्तेमाल करेंगे राइट right? Obviously, जाओ जब हो जाएगा तो वापस आ जाना ये चल रहा है 75 questions हैं देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं has been a part of his life as a student activist student activist के रूप में उसका ये रोल रहा था ठीक है क्लियर है ये वाला क्वेश्चन आप सभी को हाँ हैड बीन आएगा बिल्कुल सही पास्ट की बात हो रही है तो हैड बीन आ जाएगा बिल्कुल सही अब क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो बस यहाँ पे टेंस और डाल दिया गया बाकी हमने एरर इस पार्ट में है ये हम निकाल चुके हैं राइट चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे ट्वेंटी 20, मेन्स का ही क्वेश्चन है डेट भी शायद सेम है या चेंज हुई है सेम डेट है है ना सेम डेट को नेक्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाई दैट रेन्स कैन बी शेयर जरूर करिएगा गाइज आप लोग सभी ठीक है हां सेम वो है डेट सेम क्वेश्चन है गाइज देखो

सिंगुलर यहां पे वह कैसा है प्लूरल है ना एस आई एस लगा के इसको हम लोगों को सिंगुलर बनाना है तो इम्प्लाइज कर देंगे और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए हाँ शायद नहीं डेफिनेटली इम्प्लाइज होगा कॉन्फिडेंस भी रखिए अपने ऊपर कि अगर आप बता रहे हैं कि यारण है तो यहाँ पे ऑब्वियसली वह सिंगुलर आएगा क्यों प्लूरल लिख दिया है गलत है हंड्रेड परसेंट श्योर रखो अपने आंसर को राइट चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन ये रहा 20 डिस्पाइट इनसेसेंट रेन्स डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता है डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है एग्जाम में ऑफ लगा के प्रॉब्लम दिया जाता है सेम क्वेश्चन है सेम पेपर है सेम डेट है अभी तक डेट नहीं चेंज हुई है 12 सितंबर चल रहा है डिस्पाइट इनसेसेंट इनसेसेंट क्या होता है कंटीन्यूअस लगातार ठीक है लगातार रेन्स के बावजूद शी इज द ओनली वन वो ही सिर्फ अकेली है प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्टर इनसेसेंट रेन के बावजूद भी सिर्फ वो ही एक ऐसी लड़की है जिसने प्लान किया रेन्स रेन्स नहीं rains होता है rains किसको कहते हैं जैसे रेन होगा बारिश आ रही हो और रेन्स होगा हैवी रेन है ना हैवी जैसे कि वाटर होता है ना पानी और वाटर्स होते ही क्या हो जाता है वॉटर्स होते ही हो जाता है वॉटर बॉडी यानी समुद्र होता है तो हम उसको वाटर्स बोल सकते हैं सी

क्योंकि शी के लिए आ रहा है शी इज द ओनली वन वन कौन है शी है तो वन हमारा शी है यानी कि हु वन के लिए आ रहा है और हु के बाद जो वर्ब होता है वो हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है तो प्लान की जगह क्या हो जाएगा प्लान में एस लगाओ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है कैसा है सिंगुलर है कैसा है सिंगुलर है राइट चलिए ट्वेंटी यहां पे हो गए अब रुकेंगे जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं और वॉटर्स water में है तो जो रेन rain और रेन्स में है राइट देखिएगा स्कोर बता दीजिए अपना यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जीरण अगर इन्फिनेटिव जीरण या इन्फिनेटिव अगर हमारे सब्जेक्ट uh, के रूप में आ जाता है तो हमारा व हमेशा सिंगुलर होगा और यहाँ पे मैं आप सभी को बोलूंगी गाइज जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को क्योंकि ट्वेंटी क्वेश्चन हुए हैं सेवेंटी फाइव तक जाना है तो आपके फ्रेंड्स जो हैं जो लोग इन्विटेशन के थ्रू आते हैं अभी हमारा इन्विटेशन भी नहीं गया है, है ना इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आए हैं यहाँ पर तो जो लोग इन्विटेशन से आते हैं उन लोगों को आप इन्वाइट कर दीजिए ट्वेंटी में से नाइनटीन ग्रेट नंबर टेन ऑन टेन टेन ऑन एट टेन ऑन टेन भी बहुत सारे लोगों के आए हैं बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं वेरी गुड सौरव कंग्रेचुलेशन ट्वेंटी में से ट्वेंटी हैं आपके बाकी बहुत सारों के नाइनटीन हैं, आकाश के नाइन हैं, और किसके नाइन हैं अनिल के भी नाइन हैं अश्विनी अश्वनीश के भी नाइनटीन है चलिए वेरी गुड बहुत अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है सेशन एंजॉय कर रहे हो स्पीड ठीक है क्या समझ में आ रहा है कुछ ऐसा तो नहीं है जो कंसेप्ट अगर कुछ छूटे जा रहा है कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लियरली बोलिए आगे चलते हैं नहीं तो हाँ जीरण इंडेफिनिट इनडेफिनिट नहीं इनफिनेटिव ठीक है चलिए जो लोग लेट आए उनसे तो अच्छी खासी नाराजगी है ही मेरी आइए ट्वेंटी वन पर चल रहे हैं अच्छा नाराजगी किस लिए बहुत सिंपल है क्योंकि मैं कहती हूँ पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन ये दो वर्ड आपकी लाइफ में अभी भी मिसिंग है ये दो वर्ड को आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है और जब तक ये मिसिंग रहेंगे तब तक मार्क्स में भी ऊपर नीचे होता रहेगा जिस चीज को हम वेटेज देंगे जिस चीज को हम वेटेज देंगे वो चीज आपको वेटेज देगी ये हंड्रेड परसेंट श्योर है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एस एस सी सीजियल मीन ट्वेंटी थर्टीन सेप्टेम्बर डेट अब चेंज हो चुका है तो अब आप लोगों को देखना होगा ठीक है कि अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा मतलब अब अलग डेट आ चुके हैं अब वैसे ही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं जैसे आ चुके हैं राइट देखिएगा आराम से करूं एक्सप्लेनेशन ठीक है अर्पिता की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे स्पीडी होना चाहिए इज इट एप्लीकेबल टू एवरीबडी चलो ओवर दस बहुत सालों से द राइटर अमीश यानी ओवर दस समय के साथ साथ ईयर्स के दौरान ईयर्स Uh, the writers amish हैज evolved to what millions ऑफ यंगस्टर्स अस्पायर्स to बी today एन इंटेलेक्चुअल एन इंटेलेक्चुअल हम्म देखो अब किसी ने बोला है अभी अभी एस्पायर्स की जगह एस्पायर आएगा ठीक है और कुछ देखिए ओवर द इयर्स द राइटर समय के साथ साथ सालों के साथ साथ द राइटर अमीश अमीश राइटर की बात हो रही है हैज उसने इवॉल्व किया है किस तरीके से इवॉल्व टू समथिंग किस तरीके से इवॉल्व किया है वॉट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ यंगस्टर क्या करते हैं अस्पायर करते हैं ड्रीम करते हैं जिसके बारे में डिजायर करते हैं एस्पायर करते हैं डिजायर करते हैं विश करते हैं कौन, कर है? कौन कर रहा है विश डिज़ायर एस्पायर कौन कर रहा है यंगस्टर्स कौन कर रहा है यंगस्टर्स तो यंगस्टर हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पे चल रहे हैं अब ये रहा गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट दैट द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज ग्रेटर देन दैट इन कंट्रीज लाइक चाइना ब्राजील स्वीडन एंड रशिया द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे ही हमारा सामने मीन्स आ जाता है लैंग्वेज बढ़ जाता है क्वेश्चन का जो साइज है लेंथ है वो बढ़ जाता है लैंग्वेज का इमिंस uh, जो होता है इमेंस वर्ड्स आ जाते हैं यानी कि थोड़े से बड़े वर्ड्स आ जाते हैं राइट लेकिन गलती अभी भी वही है ध्यान से देखोगे तो गलती वही है आ, रीसेंट रीसेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट रिपोर्ट एक रिपोर्ट जो है वो हाईलाइट करती है तो रिपोर्ट कितनी है एक ही है रिपोर्ट कितनी है एक ही है तो एक के लिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए बस एस लगेगा सही हो जाएगा अगर अपलूर होता तो बिना एस के वह आता इतनी सी बात कर रहे हैं हम लोग बहुत आसान है ये बात समझना आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी आर ग्रेटर कहाँ पे इस ग्रेटर लिखा हुआ है ओके 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 इस इसको देख लेते हैं दैट द शॉर्टेज ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना देखो द शॉर्टेज ऑफ टीचर्स तो ये प्रशन प्रपोजिशन ने इसको बना दिया इसका ऑब्जेक्ट ये प्रपोजिशन प्रपोजिशन ने इसको बना दिया इसका ऑब्जेक्ट ये देखो ये देखो जिसको कंफ्यूजन है ये प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट ये प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट तो ये हमारा सब्जेक्ट बना इसलिए इसके अकॉर्डिंग इज यहां पर आया है आर में कोई गलती है क्या देख लीजिए नहीं है ठीक है राइट right? डन हो गया ट्वेंटी टू नंबर इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी बी में गलत बी में गलती नहीं है वेयर इज बी देर इज नो गलती इन बी ए इज रॉन्ग ए रॉन्ग है हाईलाइट की जगह हाईलाइट कर देंगे और ठीक हो जाएगा ठीक है क्या गलत है ए में गलत है बी में कोई गलती नहीं है अगर बी में गलती वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया है तो थम्स थम्सअप करें और नहीं हुआ है तो मुझे बताएं कि यस मैम मुझे अभी समझ में नहीं आया वैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया है देख लीजिएगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू जो कि मेन्स का था थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड तो रहेगा ही मेन्स का है इसलिए आइए ये मेन्स का है सेम डेट थर्टीन सेप्टेम्बर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है दे आर हाउस उनका हाउस की बात करें ठीक है उनके यहां उसकी बात करें मैक्सिमम का गलत गया तो क्यों गया गलत इतने देर से मैं यहां कह रही हूं प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है अगर हमारा सेंटेंस देखो एक मिनट में वापस से उसी सेंटेंस में ले जा रही हूं यहां से देखो डेट आ गया यानी कि कंजंक्शन यहां से हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है और जब तक वर्ब नहीं आता है तब तक सब्जेक्ट रहता है इतना मैं बता चुकी हूं हर बार जब इतना लंबा सब्जेक्ट आ जाता है तो सबसे पहले देखो उस नाउन को ढूंढो जो बिना प्रपोजिशन के प्रपोजिशन के पहले आया है समझ में आया तो हमारी गलतियां नहीं होंगी ठीक है अब ये देखो ये जो है हमारा द शॉर्टेज ये हमारा सिंगुलर था ऑफ के बाद भी टीचर्स प्लूरल है इनके बाद जो नाउन आ रहा है ये हायर एडजेक्टिव है ये एजुकेशनल एडजेक्टिव है तो ये हमारा नाउन है ये भी तो प्लूरल आ रहा है ये दोनों प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा कौन सा बनेगा जो बिना प्रेपोजिशन के द शॉर्टेज इज द शॉर्टेज इज ग्रेटर ये लिखा हुआ है वहां पे ठीक है अब दूसरे इसमें आओ आ रीसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट एक रिसेंट जो अभी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है वो हाईलाइट करती है ठीक है चलिए आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आप लोग सभी बता चुके हैं क्या आएगा ट्वेंटी थ्री उनका हाउस उनका हाउस सिंगुलर है isn't कर देंगे बस इतना सही हो जाएगा हाउस हमारा जो है वो सिंगुलर है तो देयर जो है ये क्या है ये एडजेक्टिव है देयर हाउस में ये एडजेक्टिव है और नाउन तो हमारा ये है वह जो है हमारा नाउन के अकॉर्डिंग आता है इसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो हाउस सिंगुलर इजेंट आ जाएगा इजेंट डेट सही है क्या आप सभी का आइए 23 इज डन है 24 पे चल रहे हैं ये रहा 24 हमारा नेक्स्ट थर्टीन सितंबर से ही आया है ध्यान से देखिएगा लंबा क्वेश्चन आते ही आप फंस सकते हैं तो फसना नहीं है ये जाल है जो एस ने बिछाया सिर्फ आपके लिए तो फसना नहीं है इस जाल में चाहे कितना भी लंबा हो क्वेश्चन ठीक है? ध्यान से ढूंढिए, सब्जेक्ट मेमोरेबल मीटिंग विदीलवर्ग है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल देखो हमारा सबसे मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग ये हमारा सब्जेक्ट है कि ये प्रपोजिशन है स्पील स्पीलवर्ग ये वाव आ गया तो ये हमारा सिंगुलर था और यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया तो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट खत्म हो गया वाइल वर we जब हम थे कहाँ पे एट द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इन 1977 ठीक है यहाँ तक एक लाइन पूरी खत्म हो गई इसमें कोई गलती नहीं है यहाँ से यहाँ तक सही है अगले में चलते हैं वे द फिल्म शतरंज के खिलाड़ी वर फिल्म ये हमारा सबसे फिल्म कौन सी फिल्म फिल्म का नाम बता दिया गया है शतरंज के खिलाड़ी तो सब्जेक्ट हमारा फिल्म है और यहाँ पे क्या आ गया है वर वर क्या क्या आ गया है वर. राइट आंसर क्या होगा वेरी गुड सबने बता दिया सबने बता दिया वेल डन ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मुझे लगा फंस जाओगे आप लोग लेकिन जाल में आप नहीं फंसे बिल्कुल सही है फिल्म वॉज फिल्म वॉज सी जो है आ जाएगा इसका राइट आंसर ग्रेट चलिए 24 इज डन 25 पे चलते हैं 25 भी मेंस का ही है 13 सितंबर का है और आप यहाँ देखें पांच क्वेश्चन बैक टू बैक अभी तक सी के आ रहे हैं 13 सितंबर के आ रहे हैं एक ही टॉपिक देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी मेंस मजाक नहीं है रेस्क्यू ऑफिशियल्स वाज अनएबल टू फाइंड एनी सर्वाइवर्स इन द कैलिफोर्निया बोट ट्रेजडी कैलिफोर्निया बोट ट्रेजेडी में जितने रेस्क्यू uh, ऑफिशियल्स जो थे वो अनेबल थे फाइंड करने में किसी भी सर्वाइवर्स को मतलब कहने का मतलब ये है कि नहीं बचा नहीं करेंगे हाउस में अगर हाउसेस भी लगा दें सॉरी देयर हाउसेस कोई सेंस नहीं देगा देयर मतलब पोजेसिव हाउस का उनके हाउस का फिर आर या इज़ जो भी है, हाँ, उनके हाउस का paint is not clear, is dirty. कुछ भी करोगे तो सही होता तो भी हाउस के अकॉर्डिंग आएगा इजी लगेगा राइट चलिए रेस्क्यू ऑफिशियल्स रेस्क्यू ऑफिशियल ऑफिशियल्स जो थे जो ऑफिसर्स थे जो अधिकारी थे उन्हीं को ऑफिसियल कहा जाता है एस लगा हुआ साफ साफ दिख रहा है सिंगुलर जो है वो गलत है की जगह वर्क कर देंगे ए में का राइट आंसर है छोटा सा क्वेश्चन छोटा सा आंसर सामने के सामने दिखाई दे रहा है एक भी वर्ड की गलती नहीं करनी चाहिए गलती हुई होनी नहीं चाहिए ये बताओ किसी का गलत हुआ है क्या ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव किसी का गलत हुआ है क्या ट्वेंटी फाइव अब आपके जैसे सोचने लग गए हैं हम वेरी गुड यही करना है चलिए टुडे आज ये है, इसको हमें छोड़ना पीपल अरे बाबा ये देखो अब मेंस का ही क्वेश्चन है 2016 का मेंस है ना 17 डालना भूल गए होंगे या बाद में आएगा टुडे पीपल इज पीपल के साथ इज पढ़ने की जरूरत है क्या आगे दिखाई दे रहा है यहाँ पे गलती है तो राइट right आंसर हमारा ए हो जाएगा आगे बढ़ जाएंगे पीपल के साथ हमेशा क्या आना चाहिए आर आना चाहिए ए में गलती है ट्वेंटी सेवन एरा सिस्टर्स वार्ड वर्किंग ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे आप मेंस का क्वेश्चन है ट्वेंटी हंड्रेड एंड सिक्सटीन का किसका क्वेश्चन है मेंस का इस क्वेश्चन को करिए आप लोग एक सेकेंड गईस ये सेशन जो है आप लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दीजिए इस सेशन को ठीक है जिन लोगों ने शेयर नहीं किया अभी तक शेयर कर दो अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ईच आ रहा है हमारे सामने ईच आ रहा है मतलब क्या करना है वन हमें पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ईच आ रहा है तो हमें बस इतना सा काम करना है कि ईच के साथ हमारा वर्व कैसा रहेगा ऑलवेज सिंगुलर तो वर्ज लगा देंगे बस इतना सा काम करेंगे हम लोग राइट right? चलिए ट्वेंटी एट हो गया इट हैज बीन शोन फिर से मेंस 2016 30 नवंबर 2016 हमारे सामने दिख रहा है राइट चलिए इट हैज बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी एक्चुअली रखिएगा विटामिन सी के बहुत सारे हाई डोज लेने से कैंसर सेल्स डेवलप हो जाते हैं बॉडी में तो अवॉइड करना है हमें बहुत देर से जा रहे हैं मेरे पास मुझे भी ऐसा ही लग रहा है देर से आ रहा है रोनो क्यों हो रहा है ऐसा चलिए

प्लूरल है तो कॉजेज में से एस हटा दो वर्ब जो है उसमें एस नहीं लगता है अगर हमारा सब्जेक्ट uh, प्लूरल है तो कॉज लग जाएगा राइट right आंसर हमारा क्या होगा सी इसका राइट right आंसर होगा चलिए अगला क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन थर्टी पे रुकेंगे मार्क्स को डिस्कस करने के लिए राइट चलो आई यूनिक फीचर ऑफ अ मोबाइल फोन इज दैट इट एनेबल सीमलेस टेलीफोन कॉल्स इवन वेन यूजर आर मूविंग अराउंड वाइड एरियाज आ यूनिक फीचर एक यूनिक फीचर जो है मोबाइल फोन का वो ये है कि अब दैट लग गया अब फिर आएगा वर्व के पहले तो ये हमारा वर्व है ये इट है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ये ध्यान रखेगा इट जो होता है ना गाइज इट इट के साथ हमेशा वर्व हमेशा सिंगुलर आता है कभी भी इट के साथ इनेबल मत लगा देना या बिना एस का वर्व मत लगा देना ठीक है हमेशा इनेबल्स ठीक है यहाँ पर तो देखो यूनिक फीचर ये था हमारा पहला सब्जेक्ट ये रहा पहला इसके सेंटेंस शुरू हो जाएगा द यूजर ये हमारा सब्जेक्ट है और यूजर के साथ क्या दिखाई दे रहा है आर क्या दिखाई दे रहा है आर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल कोई समझदारी वाली बात यहाँ पे नहीं कही गई है क्या करना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल तो तो वर्ब पे यूजर के साथ इज लगा देंगे और आर हमारा हट जाएगा तो राइट right आंसर हमारा किस में होगा सी में होगा आप लोगों ने भी सी किया है वेरी गुड ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन हो गया मे चल रहा है ट्वेंटी सिक्सटीन आगे चलते हैं ये रहा रविशंकर रविशंकर का परफॉर्मेंस है ना सिंगुलर है रविशंकर का परफॉर्मेंस पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यहाँ पे सही है पहला सही है वर् गिवेन स्टैंडिंग ओवेशन बाय द पीपल पीपल के द्वारा हु आ गया है अब हु जो है ना Who के बाद वव आता है ये ध्यान रखिए हु के बाद जो आता है वो जो है वो किसके अकॉर्डिंग आता है हु के पहले वाले एंटीसीडेंट पे हु जो सब्जेक्ट आया है ना उसके अकॉर्डिंग आएगा तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट जो है अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल होगा ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा अब पीपल कैसा है प्लूरल है तो हमारा राइट आंसर हैज जो है हैजहाँ पर गलत है तो सी इसका राइट right आंसर होगा पीपल के साथ हैव का हम लोग यूज कर देंगे राइट right? सही हो जाएगा करेक्ट है समझ में आ रहा है थर्टी क्वेश्चन आ गए हैं इन टेन में से अपने मार्क्स बता दीजिए दस में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए पिछले दस हर टेन में हम लोग रुक रहे हैं और देख रहे हैं कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए हैं और गाइस जो लोग कंटिन्यूसली नहीं है उन्हें बता दूँ दस में से दस दस में से नौ दस में से आठ इससे कम नहीं आ रहे हैं बहुत कम लोगों के जिनके कम आ रहे हैं उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो लेट आए थे ठीक है पास टेंस है एक सेकेंड रविशंकर यस पास्ट टेन से हैड आ जाएगा राइट, आई एम सो सॉरी, आए हैं आरती साहू के ट्वेंटी थर्टी में से ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशन थर्टी आए हैं सौरभ के वेरी गुड एट सेवन एट सेवन एट नाइन टेन थर्टी ऑन थर्टी शाहरुख खान के तबस्सुम के ट्वेंटी फाइव सौरभ के थर्टी शाहरुख के थर्टी ऋषिकांत वाई आर यू सैड नाइन अचीव किया है सैड मत होइए और अच्छा करने की कोशिश करिए ठीक है नेक्स्ट टेन में आप सभी के जिसके भी कम आए उसके पूरे आने चाहिए ना सीजल मेंस चल रहा है हमारे सामने 2017 शुरू हो चुका है ध्यान रखिए नहीं 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 उसी सीरीज में 2016 ही चल रहा है डेट चेंज हुई है केवल है ना 31 आपके सामने आ गया है आइए 31 पे चलते हैं मैनेजमेंट कमिटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन मैनेजमेंट committee जो थी वो डिवाइडेड थी उनके ओपिनियन में अब देखो कमेटी है है committee है। ना? सबसे पहले तो कमेटी का स्पेलिंग बहुत आता है में। तो ध्यान रखिए एक, एक ऐसी जिसमें डबल डबल टी, डबल टी, डबल, डबल, डबल आता है, राइट अब मैनेजमेंट कमेटी वॉज डिवाइडेड अब मैनेजमेंट कमेटी है कमेटी है ना या तो डिवाइडेड होती है या फिर एक ही डिसीजन देती है या तो एग्री होती है या डिसग्री होती है लेकिन इसके अग्री होने और डिसअग्री होने का पूरा इम्पैक्ट पे पड़ता है जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं पूरा इसको यहीं पे समझा रही हूँ अग्री होगी तो वर्ब जो है वो हमेशा कैसा आएगा सिंगुलर आएगा ठीक है अग्री है यानी एक मत है यानी कि पूरी कमिटी एक ही भाषा बोल रही है। कमिटी यानी टीम यानी सब लोग इकट्ठे एक साथ लेकिन है तो डिवाइडेड है अलग अलग है तो वर्ब जो है हमारा कैसा हो गया अलग अलग होने के कारण वर्ब भी प्लूरल हो गया राइट तो यहां पे क्या है कमिटी डिवाइडेड है दिवागेड़ हो तो वह कैसा होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए. इसलिए यहां पे की जगह का यूज होगा. ठीक है? है. चलिए. हो हो गया. में में से one, note करते 31 से हो रहा है, one में से करते शुरू रहा वन अगला क्वेश्चन है ट्वेंटी ऑगस्ट शिफ्ट टू ठीक है अब चेंज हो गया सीजीएल आ गया हमारे सामने रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल कैरी एफ्लुएंस फ्रॉम द दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फॉर माइल्स ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा दो जगह यहां पे डिविजन ये हटा देंगे गाइज ना ये गलत है टाइपिंग एरर हो गया ठीक है वहां से कैरी से लेके यहां तक हमारा चेंज करने वाला इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है राइट अब देख लीजिए रिवर दामोदर इन वेस्ट रिवर की बात हो रही है रिवर कौन सी दामोदर रिवर दामोदर की बात हो रही तो singular है तो रिवर हमारा सिंगुलर है सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए ठीक है और यहाँ पे पास टेंस कर दिया इसकी कोई जरूरत नहीं है कैरीज आएगा बिल्कुल कैरीज आएगा लेकिन द एफ्लुएंट्स होना चाहिए एफ्लुएंट्स है ना एफ्लुएंट्स नहीं एफ्लुएंट्स जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है एफ्लुएंस इज वेस्ट ठीक है लिक्विड वेस्ट को बोलते हैं वेस्ट तो क्या आएगा आंसर रिवर के कैरी की जगह कैरीज ये वर्ड क्यों बता रहे हो आप लोग आंसर हाँ कैरीज हो जाएगा कैरीज द एफ्लुएंस नहीं वर्ड ही यही होता है एफ्लुएंस ये नाउन है ठीक तो है तो कैरीज होगा सिंगुलर है इसलिए रिवर सिंगुलर है इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है 2015 का है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया था हेल्प के साथ दो चीज़ें आती हैं हेल्प प्लस जीरन या फिर आता है हेल्प प्लस बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव ठीक है और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है वर्ब फर्स्ट ठीक है यानी कि वर्ब विदाउट इन्फिनेटिव विदाउट टू ठीक है बताइए क्या आएगा शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ शी कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ बोल रहा है. शी कुड नॉट हेल्प लाफ्टर शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग बताइए कौन सा आंसर होगा ध्यान से देखिएगा ये भी सही होता है ये भी सही होता है तो यहाँ पे अगर गलती है तो इसको इम्प्रूव करेंगे ये भी सही है और ये भी सही है तो जब ये सही है तो इसको इम्प्रूव क्यों करेंगे नो no इम्प्रूवमेंट इसका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है ये बोलना चाह रही थी मैं आप लोगों को इज इट क्लियर राइट आंसर इज बी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इट्स अब देखिए जहां पे भी इट्स हाई टाइम आ जाएगा इट्स टाइम आ जाएगा या आ जाएगा इट इज अबाउट टाइम आपको अगर ये वाले फ्रेज दिखाई दे इट इज टाइम इट इज हाई टाइम इट इज अबाउट टाइम प्लस दैट प्लस दैट अगर इनके साथ दैट आ रहा है तो अगला आने वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में होता है ठीक है इसलिए ये गलत ये गलत ये गलत राइट हाँ, राइट ये राइट आंसर होगा जो लोग मैसेजेस सेंड करने के बाद आए ना उनसे मतलब मुझे नाराजगी होती है देखो मैसेज भिजवाया गया अभी अभी जस्ट और मैसेज भिजवाने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जनरली बढ़ जाते हैं क्यों क्योंकि ये मैसेज मिला फिर वो आए याद नहीं था क्या आप लोगों को कि क्लास 9 बजे स्टार्ट होने वाली मेनी आमेन मैनी अ जो है ना गाइस इसका मतलब मैनी ही होता है लेकिन मैनी के साथ ये जो नाउन है वो भी सिंगुलर होता है और ये जो वर्ब है नाउन सिंगुलर है तो ऑब्वियसली कैसा होगा verb भी सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या किया गया है वॉन्ट जो कि प्लूरल है वर्ब में एस सी आई एस लगाकर हमें उसको सिंगुलर बनाना होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे वॉन्ट्स कर देंगे ठीक है

है ना तो यहां पे हमें इन्वर्जन दिखाई दे रहा है हाउस के जस्ट बाहर अभी आर आया किसके लिए हाउस के लिए आया है या फिर प्ले के लिए आया किसके लिए आया है Obviously, इन्वर्जन है तो वो पहले सब्जेक्ट बाद में तो है। तो है यहाँ पे क्या आना चाहिए इज आना चाहिए देर इज अ प्ले क्यों रिपीट करना है थर्टी थ्री क्या था ऐसा थर्टी थ्री में अरे बताया था ना इसका कंसेप्ट शी कुड नॉट हेल्प इसमें लिखा हुआ है बट लाफ हेल्प के साथ दो चीजें आ सकती है या तो हेल्प आएगा प्लस बट आएगा प्लस फर्स्ट आएगा या तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हेल्प के बाद या फिर हेल्प के बाद ये स्ट्रक्चर होता है कि सिर्फ जीरन आ जाए राइट तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये वाला बट लाफ दिया हुआ है तो ये सही है इसलिए इसको नो इम्प्रूवमेंट अगर इसमें कोई गलती होती ना जैसे ऐसे लिख दिया जाता तो हम इसको काट के इसको सही कर देते पर ऐसी ज़रूरत नहीं है ये गलत ये भी सही है और ये भी सही है राइट ठीक है बट नहीं आएगा अगर लाफिंग आएगा तो बट नहीं आएगा तो जब वहां पर दिया हुआ सही है इसलिए उसको हम लोग नहीं बदलेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर

यानी कि मेन बात इस पोएम की जो मेन बात है ठीक है वो ये है ठीक है सम एंड सब्सटेंस टोटल जो मेन बात है वो तो यानी कि सम एंड सब्सटेंस जो है वो यूनिट की तरह काम कर रही है यहाँ पर इस बिल्कुल सही है नो no एरर आएगा इस क्वेश्चन में है ना यूनिट की तरह जब काम करता है तो नो no एरर दिया जाता है बी नहीं होगा आर नहीं आएगा इसलिए क्योंकि दोनों अलग, अलग अलग नहीं सम एंड सब्सटेंस का मतलब ही समरी है तो द समरी अगर यहाँ पे लिखा होता द समरी अगर यहाँ पे लिखा होता तो आप इज लगाते हैं या आर लगाते ऑब्वियसली इज लगाते तो यहाँ पे ही आएगा आर नहीं आएगा राइट चलिए अगले वाले क्वेश्चन चलते हैं फिर से आ गया, many are student are. अब many are आ गया, गया अब है, जब भी many आएगा, तो हमारा जो है वो सिंगुलर सॉरी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर हो जाएगा तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्टी नाइन इट इज ट्रू ट दुअर इज अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टूडे बहुत अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर आ जाएगा आई विल वेट कि आप लोग इसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दें तो बेटर होगा गाइज नंबर बता के फिर आंसर दें ठीक है हाँ बिल्कुल सही वही ब्रेड एंड बटर वाला राइस एंड करी वाला टाइड एंड टाइम एंड टाइड वाला जो एग्जाम्पल है वही वाला एग्जाम्पल है ठीक है हॉर्स एंड कैरेज वाला हाँ इट इज ट्रू अब आ गया इट इज ट्रू और फिर आगे लिखा हुआ द पुअर इज अनेबल ध्यान रखिएगा गाइज पुअर क्या होता है पुअर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ही इज पुअर कैसा है पुअर है कैसा है पर्सन पुअर है रिच है

बना दिया जाता है अब हम बात करें जितने भी लोग पुअर हैं उन सब की। जस्ट ट्रू दैट द पुअर जब ऐसा होता है कि इनके पहले द लगा दिया तो इनके ये हम पूरे पुअर लोगों की बात करें तो ये प्लूरल हो जाते हैं इसलिए इनके साथ जो व होगा वो हमेशा प्लूरल होगा सिंगुलर नहीं होगा राइट ध्यान रखिएगा अनेबल अनेबल्स क्या होता है अनेबल अनएबल का मतलब क्या होता है अयोग्य अरे इतनी वर्णा मत करिए

A right case to criticize. People have a right to criticize. लोगों के पास right है criticize करने का But but conjunction आ गया अगला sentence start होगा At the same time ये adverb है Each of them ये हमारा subject हो गया अब हमें ढूंढना है verb कहाँ है ये रहा Each हमारा subject होता है तो verb हमारा कैसा होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट में ईच आ जाए एवरी आ जाए तो वर्व हमेशा सिंगुलर रहेगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया हैव की जगह अगर हम लोग हैज रख दें तो राइट आंसर आ जाएगा राइट ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी हमारा खत्म हो गया है 40 में में राइट आंसर डी वाले पार्ट में है ना ये डी वाला पार्ट है डी वाले पार्ट में हैज है सी बताया आप लोगों ने गलत बताया ठीक है डी वाले पार्ट में की आएगा क्लियर नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी हो गया फोर्टी वन वन ऑफ द ड्रॉबैक्स वन आ गया ऑफ आ गया द तो आ, 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 तो आ, आ गया ये तीनों चीज सही है वन के साथ ऑफ तो आएगा ही आएगा अगर आर्टिकल आएगा तो हमेशा द आएगा नाउन हमेशा प्लूरल आएगा ये सब चीजें सही हैं। अब किसकी ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन तो यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट है वन हमारा पहला सब्जेक्ट है ठीक है इसके बाद आ रहा है प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का नाउन फिर आना है प्रेपोजिशन ये प्रेपोजिशन का नाउन तो हमारा जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा इसके अकॉर्डिंग होगा वैसे भी इस तरीके से समझ में आ गया और वन जब होता है तो हमारा वर्ब कैसा लेता है सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर लेता है ड्रॉबैक्स ही रहेगा कौन बोला श्रुति वर्क ऑन एट ठीक है वर्क करिए इस पे इसलिए क्योंकि ड्रॉबैक्स नाउन एप्लुरल ही रहेगा अच्छा यहां पे मुझे याद आया पिछला जो फोर्टी है वो निकल गया हमने टेन में से डिस्कस नहीं किया हाँ पिछले टेन में से कितने मार्क्स आए जल्दी से बताइए भूल गए हम लोग यहाँ पर इज आएगा प्लेस ऑफ आर ठीक है करिए मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल प्रपोजल के फेवर में है इसमें कोई शक की बात नहीं कि मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स वर्कर्स में से बहुत सारे जो हैं वो क्या हैं फेवर में नाइन आया है कुछ लोगों का और लोग नहीं बता रहे मार्क्स क्यों नहीं बता रहे हैं सेवन आया टेन में से टेन आया एट आया नाइन आया वेरी गुड सेवन भी आया है हाँ और बताइए मार्क्स अपने जल्दी से गुड लाफ वाला क्वेश्चन सभी का रॉन्ग था फिर भी दस आ गए किसी ने तुक्का भी लगाया होगा उसके आए होंगे दस ठीक है चलिए इसी के साथ अब मैं बोलूंगी यार ध्यान रखो ये सेवन एट को आप खत्म करो ना सेवन ना एट या तो नाइन या फिर टेन नाइन तक आ सकता है टेन तक टेन या तो नाइन या टेन इतनी कोशिश करिए इसको आप हटाइए टारगेट दीजिए आपकी बार नौ सात नौ आठ ठीक है यही लाने हैं मुझे अब की बार मुझे यही लाने या तो नौ या दस या नौ या दस ठीक है चलो पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जिसने नहीं ध्यान दिया ये देख लो ये ड्रॉबैक्स वाले क्वेश्चन में कितने मार्क्स आए इसको देख लीजिए इसके बाद चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे ये रहा देयर इज नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है दैट की द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स तो वर्कर्स मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है अधिकांश तो बिल्कुल हिंदी वर्ड है और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको मैनी बहुत सारे राइट तो देर इज नो डाउट इसमें कोई डाउट नहीं है मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स तो वर्कर्स में से बहुत सारे मेजोरिटी के साथ अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो वह कैसा होना चाहिए मेजोरिटी मतलब बहुत सारे मैनी ऑफ द वर्कर्स है ना तो so, वह कैसा आएगा ऑब्वियसली प्लूरल आएगा तो इस यहां पर गलत है आर आ जाएगा सी आएगा इसका राइट आंसर ठीक है सतीश के सब में दस में से दस आए इसके पांच बार दस आ गए ध्यान रखो चार बार ही हुआ है एक बार और इसने एक्स्ट्रा दे दिया इसको यानी ये फेक है आंसर क्वेश्चन नंबर हो गया थ्री पे चलते हैं ये रहा ऑफ द बुक वर रबिश टू थर्ड ऑफ द बुक जो था वो कैसा था रबिश था रबिश था मतलब सेंसलेस था बहुत ज्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं निकला मतलब पढ़ लिया लेकिन कोई मतलब नहीं निकला अर्थ नहीं निकला ठीक है अब टू थर्ड ऑफ द बुक बुक का टू थर्ड पार्ट यानी टू थर्ड पार्ट पढ़ लिया लेकिन वो कैसा निकला रबिश निकला। Now, ये ये है है है? हमारा, हमारा और बुक के बाद का object हो गया ठीक तो वर्ब एग्जैक्टली exactly, किसके अकॉर्डिंग काम करेगा इसके अकॉर्डिंग काम करेगा दो तिहाई हिस्सा टू थर्ड ऑफ द बुक राइट तो ये जो टू थर्ड है हमारा ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव बना है इसके सब्जेक्ट के लिए है ना तो टू थर्ड ऑफ द बुक इज आ जाएगा सॉरी वॉज आ जाएगा past है क्योंकि यहाँ पे ठीक है प्लूरल नहीं होगा वॉज आ जाएगा 43 was, right? हाँ टू थर्ड्स टू थर्ड क्यों होगा टू थर्ड्स अलग सेंस होता है टू थर्ड का मतलब है दो तिहाई हिस्सा ये इसने ही होगा टू थर्ड्स तब होता जब हम लोग इसको Uh, इसमें पार्ट्स वगैरह लगा देते आगे तब इसको करते चेंज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन निकल गए इस टेन में से बताने आपको द फॉर्मर्स क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड नंबर्स ऑफ इयर्स मेंस का क्वेश्चन लग रहा है ये देखने में जरूर मेंस का होगा दिखा नहीं है देखो द फॉर्मोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड यहाँ पे हमारा वर्ब दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आप लोगों को सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा किसका सब्जेक्ट क्या है देखिए क्योंकि इतने सारे आ गए लाइन में नंबर द आर्टिकल है फॉर्मोस्ट सब्जेक्ट में क्राइटेरियन ये रहा पहला नाउन ऑफ हमारा इसका ये रहा वी अडोप्टेड जो कि हमने अडोप्टेड किया तो ये ऐसा विच होना चाहिए या होना चाहिए जो लगाया नहीं सब्जेक्ट का ही है, इसमें आ गया, अंदर है ना? देखो. हमेशा क्या होता है प्लुरल क्राइटेरिया क्या होता है प्लूरल क्राइटेरियन होता है सिंगुलर तो जब सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो हमारा कैसा होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए तो वर आ जाएगा वर की जगह वॉज आ जाएगा फोर्टी फाइव आ गया मोर वाइडली पॉपुलर देन द हंटिंग ऑफ डियर और फॉक्स वर द परसुएट ऑफ द हेयर हा फोर्टी फोर का आंसर हो गया है आप फोर्टी फाइव का आंसर बताएंगे फोर्टी फाइव का आंसर क्या होगा मोर वाइडली पॉपुलर देन The hunting of deer or fox were the परसुएट of है पूरे सेंटेंस का इन्वर्जन किया गया है सब्जेक्ट क्या है इसमें थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है लेकिन आपको पहचानना ही पड़ेगा मोर वर्ड वाइडली पॉपुलर देन से ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर था वाइडली पॉपुलर बहुत से ज्यादा वाइड रूप में पॉपुलर था से ज़्यादा वाइड रूप में पॉपुलर था क्या किससे ज्यादा डियर और फॉक्स के हंटिंग से ज्यादा वाइड रूप में पॉपुलर था क्या परसुएट ऑफ द हेयर यानी हेयर को पालना हेयर के डिजायर रखना जो है ज्यादा पॉपुलर था इन सब से है ना तो बात हमारी परसुएट ऑफ द हेयर पे आ रही है यानी ये हमारा एक्चुअल में सब्जेक्ट है और इसलिए हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा वॉज क्या होगा वॉज क्या होगा वॉज होगा हंटिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट हियर इन्वर्जन है ये हमारा परसुएट सब्जेक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत आसान क्वेश्चन बहुत आसान जवाब क्विकली दे देंगे आंसर को 45 का आंसर वॉज दे दिया है श्रुति ने यहाँ पर आई श्योर कैसे श्रुति 45 का आंसर कैसे अच्छा 45. मेरे यहां पे 46 खुला हुआ है 46 का आंसर देंगे आप जल्दी से The United States स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव huge बजट डेफिसिट डिस्पाइट द पीपल्स फेब्यूलिस प्रो प्रोस्पैरिटी लोगों की वनडरफुल इतनी कमाल की बेहतरीन प्रॉस्प इतनी बेहतरीन समृद्धि है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे उसके बावजूद लोगों की बेहतरीन समृद्धि के बावजूद ह्यूज बजट डेफिसिट है बजट डेफिसिट है बजट की कमी डेफिसिट डेफिसियंसी कमी है कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास राइट right आंसर क्या होगा

तब ऐसे चीज में क्या होता है ऐसे चीज में ये होता है कि जो हमारा वर्ब होता है ना वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार तो पास वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारा सिंगुलर होगा और पास वाला सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा है प्लूरल तो कैसा होगा प्लूरल इसलिए इसकी जगह आर रख देंगे राइट ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटी सेवन हो गया एट द मेजोरिटी ऑफ लेबर लेबरल्स में से अधिकांशतया अभी आया था ये क्वेश्चन तो जब मेजोरिटी आ गया अधिकांशतया आ गया तो इसकी जगह क्या हो जाएगा आर का यूज करेंगे बी इसका राइट आंसर होगा फोर्टी एट का फोर्टी नाइन ये रहा देर गोज ओल्ड मिसेस रॉय वो जाती है मिसेज रॉय कंसेप्ट पे कमांड होना चाहिए फिर तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए एकदम सही होगा देर गोज ओल्ड मिसेज रॉय एंड हर मीक लिटिल हजब और वो उनके छोटे से डरावने डरपोक दर, से हस्बैंड मीड है टिमिड है शाय है डिफिडेंट है ये सब इनके क्या होते हैं होते हैं ठीक है मीक है शाय है टिमिड है ये सब देर गोज आर आर लिखा आ रहा है अरे आंसर बताओ फोर्टी नाइन में सी क्या आएगा सी में क्या आएगा A little कर दू ये बोल रहे हो क्या सी में दे आर गोज कौन कौन जा रहा है पहले तो ये बताओ कितने लोग जा रहे हैं ओल्ड मिसेस रॉय जा रहे हैं एंड हर हसबेंड अलोंग विद नहीं लिखा हुआ है उनके साथ कौन जा रहा है ये नहीं लिखा हुआ है और ओल्ड मिसेज रॉय जा रही है और उनके हस्बैंड जा रहे हैं ठीक है दो पर्सन जा रहे हैं तो दो पर्सन जा रहे हैं तो वह हमारा सिंगुलर कैसे हो गया प्लूरल होगा ना गो आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर हो गया फोर्टी नाइन अब चलते हैं फिफ्टी पे अब फिफ्टी आ गया इसके बाद रुकेंगे टेन में से पूछने के लिए टेन में से कितने मार्क्स आए हैं इन टेन में से फोर्टी वन में से फोर्टी वन टू फोर्टी नाइन ठीक है क्वेश्चन पूछूंगी अब मैं नॉट वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री देखो अगर नॉट हटा दे तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स समझ में आया क्वेश्चन ठीक है समझ में आया क्वेश्चन वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स तो नॉट अगर हटा दिया तो समझ में आ रहा है वन ऑफ आ रहा है नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आना चाहिए ठीक है अब इसमें नॉट लगा हुआ है ये कंफ्यूज नहीं कर रहा है ये बता रहा है वन ऑफ द वर्कर्स में से कोई एक भी नहीं था नॉट वन एक भी नहीं था अलाउड ठीक तो है तो कंसेप्ट वही है वन वाला बस वर्क की जगह हमें क्या करना है वॉज लाना है तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो 50 में से मार्क्स बताएं जो लोग अभी पिछले 10 में जुड़े हुए हैं वो 10 में से मार्क्स बताएं ठीक है अपने मार्क्स बताने चाहिए अभी आपको राधेश्याम ने बता दिया है 10 में से 10 अनिल के आ जाए 10 में से 10 शाहरुख के 49 मार्क्स आए हैं बोल के याद करना चाहिए या मन में बोल के याद करना चाहिए एक बार बोल लोगे ना इधर बैठेगा मन में क्या होता है हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है अगर आप लोगों को इस बारे में पता होता कॉन्शियसनेस मैं एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ यहाँ पे एक होता है कॉन्शियसनेस है ना कि हम अलर्ट हैं हमें पता है हम देख रहे हैं किताब को किताब हमें देख रही बहुत खूबसूरत नजारा है अगर बाहर से पेरेंट्स आ जाए तो उन्हें बहुत दिल को तसल्ली मिलेगी राइट एक हो गया कॉन्शियसनेस वाली स्थिति और एक होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यू नो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जब आप किताब किताब को देख देख रहे हैं आपको है, लगातार आंखों से आंखें मिल रही है पेरेंट्स आ रहे जा रहे हैं देख के खुश हो रहे हैं लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अपना काम कर रहा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कि वो जो हम कॉन्शियसनेस कॉन्शियस conscious रहते हुए भी हम सोच रहे हैं ना किताब तो सामने किताब में मान लो एक वर्ड आ गया हंड्रेड ही आ गया मान लो हंड्रेड आ गया हंड्रेड से याद आ गया हंड्रेड अच्छा हंड्रेड रन बनाए थे कल महेंद्र सिंह धोनी ने लेकिन फिर भी टीम हार गई ऐसे करके आप वहां मैच में पहुंच जाते हो फिर आपको अचानक से ध्यान आ जाता है कि कैमरा कहीं पे नो no, स्ट्राइक किया होगा किसी मतलब उस पर आजकल ऑडियंस तो आ नहीं रहे किसी एक आध ऑडियंस जो बैठी है अच्छा शी वॉज रियली ब्यूटिफुल और फिर उसका ड्रेस जो है वो येलो कलर का था तो आपको येलो कलर से रिलेटेड कुछ याद आ गया फिर आपका उसी बात पे कोई फ्रेंड की बात आ गई तो ऐसे करके चीजें क्या हो रही हैं कोरिलेट हो रही हैं क्या हो रही है कि चीजें कोरिलेट हो रही है ना इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सोचते सोचते स्टार्ट पता नहीं कहाँ से किया था और ऐसे ऐसे सोचते 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 सोचते, सोचते, सोचते आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं और ये रिवर स्ट्रीम जो है ये चलना शुरू कर दी किताब अभी भी वहीं नजरें अभी भी वहीं किताब आपको देख रही है नजरें आप किताब को देख रहे हो और दोनों चीज कमाल चल रहा है दो तीन बार पेरेंट्स आते जाते हैं देख के खुश हो जाते हैं आज तो हमारा बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है लेकिन उन्हें क्या पता स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस काम कर रहा है कॉन्शियसनेस काम नहीं कर रहा है राइट तो दिस इज ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो इसने आप लोगों को बिगाड़ रखा और इसका अंत करने के लिए क्या कर सकते हैं इसका अंत करने के लिए बोलो इसका अंत करने के लिए बोलो जो लिख रहा है ना उसमें उसको पढ़ भी लो तो समझ में आएगा कि यस हमारा काम हो रहा है तब पेरेंट्स को और तसल्ली हो जाएगी पेरेंट्स को तो खैर पहले भी हो रही थी बोले वाले सीधे साधे से मान जाते हैं कि आप पढ़ रहे हो राइट लेकिन दिस इज द राइट आंसर एक, ओके तो बोल के पढ़िए ज्यादा फायदा होगा दस में से मार्क्स आप लोगों ने बता ही दिए हाँ सेवेंटी फाइव तक क्वेश्चन है हंड्रेड्स ऑफ सही है या द हंड्रेड्स नहीं 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 एक सेकेंड एक सेकेंड हंड्रेड अरे बात समझो इसमें हंड्रेड में से कोई एक भी हंड्रेड में से कोई एक भी अगर इसके पहले अगर इसके पहले होता ना फाइव ऐसे लिखा होता फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड पीपल है इस तरीके से होता अगर इसके पहले कोई नंबर नहीं दिया गया तो इसमें ऐसी सी आई एस लग जाता है और द क्यों लिखा हुआ है उन हंड्रेड्स की बात हो रही है इसमें इसलिए द लग रहा है ठीक है चलिए तो वो तो ठीक है अब आएगा क्या नॉट वन ऑफ द आ रहा है तो आ जाएगा बस ये ये सही है 50 हो गए पे चल रहे हैं रहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता सब ऐसा कहते हैं अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होता पर आप उसकी जगह हो नहीं सकते इसलिए आप सिर्फ बोल सकते हो तो जिसने सफर किया है उसको ज्यादा पता है इसके बारे में राइट चलिए बोल के करते हो ना बिल्कुल सही है बोल के करते हो तो अपना भी भला करते हो पेरेंट्स का भी भला करते हो उस का भी भला करते हो जिसका इस्तेमाल होता है या जो भी आपके सामने है है ठीक देखते हैं बजे वाली क्लास में सबसे पहले कौन आता है और देखो बारह बजने ही वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कब रेस्ट कब मिलेगा इफ आई वॉज यू आना है समझ में क्या आएगा इस वाले सेंटेंस में अगर मैं तुम्हारी जगह होता समझ रहे हो मैं तुम्हारी जगह होता है एक तो यह समझ में नहीं आता एक जैसे मैसेज को बीस बार छाप दो इसका क्या रीजन होता है ऑफ नहीं होता तो हंड्रेड्स ऑफ के अकॉर्डिंग वर आ जाता केवल ठीक है इफ आई वर हो जाता केवल यहां पे अगर मैं तुम्हारी जगह होता चलिए अगला वाला, वाला क्वेश्चन द मिनिस्टर अलोंग विद पार्टी कलीग्स द मिनिस्टर अलोंग विद पार्टी कलीग्स यहां से लेके यहां तक पूरा सब्जेक्ट है ठीक है अब ये हमारा वर्ब है तो अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट मेन कौन सा है तो एक ये हमें दिखाई दे रहा है ये अलोंग विद है ये क्या है प्रेपोजिशन क्या है प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद आने वाले को प्रेपोजिशन क्या बना देता है अपना ऑब्जेक्ट क्या बना देता है ऑब्जेक्ट बना देता है ठीक है तो ये कौन है जो बहुत दिनों बाद आया है शुभम यादव शुभम यादव को जवाब कौन देगा आप में से जल्दी से शुभम यादव को जवाब दीजिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पे जवाब देते हैं और फास्ट चलो ठीक है अब और फास्ट चलते हैं। अलॉन्ग गया कलीग्स की जगह क्या सॉरी कलीग्स ठीक है पर हैव हाँ की जगह क्या हो जाएगा हाँ हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट क्या है मिनिस्टर है फिफ्टी टू हो गया फिफ्टी थ्री ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ये पूरा सब्जेक्ट है ग्रुप ये प्रपोजिशन इस प्रेपोजिशन ने इसको बनाया object, तो हमारा सब्जेक्ट वॉन्ट की जगह आ ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, Wants हो जाएगा. तो राइट right आंसर क्या होगा बी क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वह बी सिंगर होगा फिफ्टी फोर इफ आई वॉज यू अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो क्या करती आई वुड है तुम्हें टर्मिनेट कर दिया होता हिस uh, सर्विस I would have terminate his services. मैं उसकी सेवाएं उसी समय then and there ठीक उसी समय समाप्त कर देती ठीक है यानी was की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा वर आ जाएगा अगला क्वेश्चन द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर दोनों लिखा हुआ है एंड आ गया है एंड कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होता एंड का मतलब ये भी थे और ये भी थे दोनों जगह अलग अलग द भी नजर आ रहा है है ना तो दो पर्सन है तो एंड की जगह क्या हो जाएगा एंड के कारण यहां पे हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे राइट सही है स्पीड अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ पीपल द नंबर ऑफ है ना ये हम बार बार करते हैं नंबर ऑफ अगर आ जाए अगर अ नंबर ऑफ आ जाए तो हमारा वर्ब कैसा होता है प्लूरल होता है ठीक है अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, और द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम में बहुत बार दिया जाता है तो वर के साथ क्या आ जाएगा वर्स का यूज करेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन 56 हो गया 57 सेवन आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स पूरा सब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक आ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट ये आ गया प्रेपोजिशन इन्होंने इसको अपना लिया ये आ गया एक और प्रेपोजिशन इन्होंने इसको अपना लिया तो हमारे वर्फ के लिए क्या बचा जिसको प्रेपोजिशन ने नहीं अपनाया तो आ सीरीज के साथ क्या आएगा वह सीरीज इज राइट तो आर की जगह इज आ जाएगा राइट right? स्पीड सही है क्या मैंने पूछा था आ रहा आए तो थम्स अप भी करते जाइए सिक्सटी पे रुकेंगे बस एक मिनट के लिए द हाउस आ गया विद ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट्स तो यहाँ प्लांट्स तक हमारा क्या है प्लांट्स तक हमारा सब्जेक्ट है अब ढूंढेंगे कौन सा बिना प्रपोजिशन का ये है अकेला ठीक है तो हाउस अकेला सब्जेक्ट है ठीक है इसके बाद हमें क्या दिखाई दे रहा विद विद क्या है प्रीपोजिशन फिर विद ने इन सबको क्या कर लिया अपना लिया इस ये फर्नीचर भी इसका एग्जॉटिक प्लांट्स भी इसका ठीक है विद के साथ ही आया है प्लांट्स और फर्नीचर के साथ-साथ ठीक -साथ, है तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा हाउस के लिए क्या आएगा वर की जगह वॉज हाउस बिक गया इसके पूरे फर्नीचर और प्लांट्स के साथ हिंदी में भी बोल के देख लो सही हो जाएगा समझ में आ जाएगा स्पीड ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 59, the teacher asked the students, teacher ने अपने से पूछा ठीक है, है, है अब ये हमारा सब्जेक्ट ये ऑफ प्रेपोजिशन इसने इसको अपना लिया हमारा सब्जेक्ट ये है इसके अकॉर्डिंग वर्ग की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉस आ जाएगा क्या आ जाएगा वाज़ आ जाएगा अगला क्वेश्चन 59 हो गया 60 ये रहा स्लो एंड स्टेडी स्लो एंड स्टेडी हो गया राइस एंड करी हो गया टाइम एंड टाइड हो गया ब्रेड एंड बटर हो गया हॉर्स एंड कैरिज हो गया इतने सारे जो हैं ये सब आते हैं एक यूनिट के रूप में काम करते हैं सम एंड सब्सटेंस ठीक है तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस जीतता वही है जो धीरे पर लगातार चलता रहता है राइट तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे विन की जगह विंस आ जाएगा सिक्सटी हो गए जल्दी से दस में से मार्क्स अपने बता दीजिए जल्दी से क्विकली टाइप करिए अपने मार्क्स फिर चलेंगे हम लोग आगे टेन ऑन टेन टेन ऑन टेन टेन ऑन टेन नाइन दिख रहा है टेन दिख रहा है नाइन दिख रहा है टेन दिख रहा है नाइनटी दिख रहा है हाँ बीसवें से दस संजय वेरी गुड मोनू के सिक्स आए हैं क्यों सिक्स क्यों आए मैंने कहा या तो दस आएंगे या फिर नौ आएंगे इनसे कम नहीं आने चाहिए सिक्स कैसे आ गए फिफ्टी नाइन आ गए सिक्सटी में से शाहरुख वेरी गुड देखिए भाई मोनू आप या तो लेट आए होंगे जल्दी से बताइए रीजन क्या रहा टाइप करिए आप अपना रीजन बाकी सब थम्सअप करिए इसके बाद चलेंगे आगे क्या पूछा जा रहा है डिवेंट फॉर अरे तुम इतना लेट आए हो क्या नाम है मोहम्मद मोहम्मद अबेदुल्ला आप इतना लेट आए ही हमने मेंस के क्वेश्चन से किया था हमने सारे एग्जाम के क्वेश्चन किए हैं सी एच एस एल सी जी एल सीजीएल प्री एंड सीजीएल मेन्स हमने सारे क्वेश्चन किए स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं वो इन्हें बता दीजिए हमने यहाँ पे सीपीओ के क्वेश्चन किए हमने यहाँ पे स्टेनओ के क्वेश्चन किए इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पे ठीक है तो आप मेंस के क्वेश्चन के लिए जरूर इसको देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं इफ़ एनी ऑफ माई फाउंडिंग सॉरी इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कंडीशनल है अगर एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वर वॉज टू रिटर्न ऑफ लाइफ फॉर अ डे अगर वो एक दिन के लिए उनको रिटर्न होना पड़े अगर उनको रिटर्न होना पड़े ठीक है तो तो क्या होगा हिज ओपिनियंस ऑफ आवर अमेंडमेंट्स वुड बी इंटरेस्टिंग वो हमने जितने इतने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए हैं बदलाव किए हैं चेंजेस किए हैं उनके लिए उनके जो ओपिनियन होंगे वो कैसे होंगे इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं कैसे नो no एरर आएगा यार देखो 61 है ये हो रहा है कैसा संडे कैसा सेंटेंस है इमेजिनरी कैसा काल्पनिक अनरियल एक्चुअली में फाउंडिंग फादर्स नहीं आ सकते तो अगर आ जाए तो इन इमेजिनरी हो गया तो वो की जगह क्या लग जाएगा वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या भूल गए क्या ठीक है चलो अगला क्वेश्चन टू पे आ है द न्यू फैक्ट्स ही हैज डिस्कवर्ड एंड द न्यू आर्ग्यूमेंट्स ही हैज एडवांस्ड हैज नॉट चेंज्ड माय ओपिनियन देखिए गाइस द न्यू फैक्ट्स नए फैक्ट कौन से ज डिस्कवर्ड जो कि उसने डिस्कवर करे फैक्ट्स के बारे में बता रहा है ठीक है काट देंगे इसको एंड द न्यू आर्ग्यूमेंट्स और नए आर्ग्यूमेंट कौन से विच ही हैज एडवांस जो उसके पास है इसको यहाँ से काट देंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा है द न्यू फैक्ट एंड द न्यू आर्ग्यूमेंट सब्जेक्ट कितने हो गए एक से ज्यादा एंड से जुड़े हुए तो हमारा जो हैज है वो क्या हो जाएगा प्लूरल नहीं होगा क्या सब्जेक्ट कैसा है प्लूरल द न्यू फैक्ट्स एंड द न्यू आर्गुमेंट्स हैव नॉट चेंज माय ओपिनियन 62 हैव होगा 63 गुड पीपल विल मेक गुड लॉज अच्छे लोग अच्छे लॉज बनाएंगे बट गुड लॉज पास्ड बाय अ फ्यू बट आ गया कंजंक्शन ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट के लिए गुड लॉज विच आर जो कि पास किए जाते हैं अ फ्यू कुछ लोगों के द्वारा डज नॉट नेसेसरली मेक गुड सोसाइटी अच्छा सोसाइटी नहीं बनाता है ठीक है अब देखिएगा इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मीन्स का हो सकता है ये गुड पीपल विल मेक गुड लॉज गुड पीपल अच्छे लोग अच्छे लॉज बनाते हैं बट लेकिन अच्छे लॉज जो होते हैं जो कि पास किए गए कुछ लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा डू नॉट आएगा ना गुड लॉज हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर डू कर देंगे ठीक है ये सब्जेक्ट है ठीक है तो की जगह डू आ जाएगा केवल राइट आंसर सी होगा इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री हो गया ओवर फोर मोर लेजर मोर लेजर ज्यादा लेजर एज वेल एज एन अबेंडेंस ऑफ गुड्स लेजर यानी फ्री टाइम ठीक है ये होता है लेजर मोर लेजर एज वेल एज

व एबल टू हेल्प हर इन हर वर्क ना तो हसबेंड को भी कोई काम आता था ना ब्रदर को काम आता था दोनों में से कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सके राइट right? तो अब नीदर नॉर में क्या होता है जो हमारा वर्फ के पास वाला है उसके अकॉर्डिंग आता है तो पास वाला सिंगुलर है तो वर्क की जगह क्या आ जाएगा वर्स का इस्तेमाल करेंगे अगले वाले में चलते हैं बैक्टीरिया इज प्रॉबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ यहाँ पे आप लोग ना नंबर लिख के बताइएगा कि सिक्सटी सेवन का आंसर क्या लिख रहे हैं क्योंकि दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट फ्राम यू पीपल ओनली सिक्सटी सेवन बताइए आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर सिक्सटी सेवन जल्दी से

यूनिक कंसेप्ट है और ये एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है लेकिन अब सबको आता है ट्वेंटी माइल्स इज अ लॉन्ग वे टेन थाउजेंड इज रियली बिग अमाउंट ये वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं तो यहाँ पे इज आ जाएगा ये आप सभी को आता है सिक्सटी एट हो गया सिक्सटी नाइन वेन वी कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच आर मैनी द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप unique, आर यूनिक आर क्वाइट डिस्टर्बिंग जल्दी से सोचिए ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है आंसर बताएंगे सिक्सटी नाइन का वेन वी कंसिडर जब हम कंसिडर करते हैं ऑल द फैक्ट वी है इसका सब्जेक्ट सही है प्लूरल विच आर मैनी जो कि बहुत सारे हैं फिर यहाँ तक ये खत्म हो गया अगला सेंटेंस आ द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट आर क्वाइट डिंग ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा द नंबर ऑफ अगले वाले में द नंबर ऑफ आ गया और हमें पता है अभी अभी भी पढ़ा है और बहुत बार पढ़ चुके हैं अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आता है और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ डैश डैश इज ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी हो गया सेवेंटी यहाँ पे हम रुकेंगे दस में से पूछने के लिए कॉफी सीड्स कॉफी सीड्स इज कितना सिंपल है पहला ही दे दिया है ये तो आराम से पकड़ में आने वाला लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग मेंस में आया हुआ था पीपल के साथ इज लगा दिया था मैनी पीपल इज तो आराम से पकड़ में आने वाला क्वेश्चन राइट चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेवेंटी हो गया जल्दी से अपने मार्क्स बता दीजिए टेन में से कितने मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किए इन टेन में से है ना कुछ ऐसा आ नहीं रहा है जो बहुत टिपिकल हो जो आप नहीं कर पा रहे हो सब कुछ आराम से सही से हो रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप देख रहे हैं मेन्स हो प्री हो सीजीएल हो सी एच हो स्टेनो हो सीपीओ हो जो भी एग्जाम हो आराम से आप लोग कर पाएंगे राइट <laughs> आंसर बता दीजिए अब ना आप मार्क्स भी बता दीजिए नाइन आ गए हैं संजय एक क्वेश्चन गलत हुआ है अभी भी ओके सिक्सटी नाइन राधे श्याम के दो गलत हो गए सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन राधे श्याम के ही दो गलत हुए हैं केवल बाकी सबके सही हुए हैं सारे ओके ओके मोनू के सेवन मोनू आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है आपके मार्क्स थोड़े से कम चल रहे हैं ठीक है थोड़ी प्रैक्टिस करिए बाकी सब लोग ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन पे बस लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हैं। हैं। रिपीट हुआ है। पहले ही हम लोग इसको कर चुके हैं। आगे। 72 पे चलते हैं। many आ गया। के साथ हमारा जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है और जो हमारा वर्ब होता है वो भी सिंगुलर होता है वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करें? व में एस आई एस लगा दें और होता जाएगा वेरी गुड सब लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वेल डन ग्रेट अच्छा लग रहा है फिर तो सेशन आप सभी को जब नंबर अच्छे आते हैं तो अच्छा लगता है जब नंबर कम आते हैं तो बुरा लगता है है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 हो गया है यहाँ पे 73 पे चलते हैं वॉट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेज इसको समझने के लिए वॉट ही नेवर क्लियर ठीक है एक सेंटेंस है व्हाट ही सेज इज नेवर क्लियर अब यहां पे देखिए ये जो है ना व्हाट से लेकर सेज तक ये हमारा एक सेंटेंस ये हमारा सब्जेक्ट क्लॉज है ठीक है तो एक बात ये समझनी कि सब्जेक्ट क्लॉज अगर आता है ना व्हाट से स्टार्ट होता है इनके साथ तो ये हमारा जो वर्ब है ये हमेशा क्या होता है सिंगुलर होता है ठीक है पर यहाँ पे जो है हमेशा सिंगुलर होता है पर यहाँ पे क्या है वॉट आर नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेजेस ये वाला जो आ रहा है ये वाला आर आ, आ रहा है इनके लिए है ना तो ये आर तो ठीक है लेकिन ये वॉट इज नीडेड नीडेड कोई हमारा वर्ब है एडजेक्टिव है वॉट इज नीडेड है ये वाला है ना तो इसमें क्या होगा आर की जगह क्या आएगा इज वाट इज नीडेड जो चाहिए वो क्या है वो बड़े हाउसेज नहीं स्मॉल कॉटेजेस हैं तो राइट आंसर हमारा इज होगा इसमें ठीक सेवेंटी फोर द पुलिस पुलिस हमेशा कैसा होता है पुलिस हमेशा प्लूरल होता है अगर हमें पुलिस को सिंगुलर बताना है तो वन ऑफ द पुलिस मैन या तो वन ऑफ द पुलिस कहेंगे या फिर पुलिस मैन इस तरीके से लिखा जाएगा सिंगुलर बताने के लिए ठीक है तो ये हमेशा प्लूरल होता है इसलिए राइट right आंसर है नो no इंप्रूवमेंट हो जाएगा सेवेंटी फाइव थ्री मस्कटे थ्री Musketeers ये नाम है देखो एम कैपिटल टी कैपिटल ये नेम ऑफ द बुक है टाइटल रिटर्न लिखा हुआ रिटर्न बाय तो इसके साथ have नहीं हैज आएगा है ना बुक का नाम ही तो है तो हैज आएगा एक ही बुक है इसलिए अब चलते हैं सेवनटी फाइव हो गया सेवन देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और है एक्चुअली ना बस सेवेंटी सेवन तक है बस एक दो क्वेश्चन और है माई एल्डर सिस्टर एंड हर डॉटर मेरी एल्डर सिस्टर और उसकी डॉटर है ना तो दो हो गए सब्जेक्ट एक से ज्यादा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गए यानी सेवेंटी सिक्स टन हो गया अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर वन ऑफ माई कॉलिग्स इज एन एक्सपर्ट इन होम्योपैथी जल्दी से इसको सोचिए आंसर बताइए ऑप्शंस आप लोगों के सामने है अब जैसे ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को बताना है सबसे पहले तो 12 बजे वाला सेशन इसको देखना ही देखना है क्योंकि हम कर रहे हैं बहुत सारे इडियम्स, जो बिल्कुल नए हैं न्यू इडियम्स है ना न्यू वाले इडियम्स आज हम लोग करने वाले हैं 12 बजे और आज सैटरडे सैटरडे को आने वाले कुछ ऐसे सेशन जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है वन ऑफ मेरे में से एक एक तो ये बारह बजे वाली क्लास देखनी है जो वाली है दूसरी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे आज बताना है ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट का कंसेप्ट क्या था ठीक है देखेगा ध्यान आ जाएगा आप लोगों को बहुत टफ नहीं है राइट तो दो चीजें हाँ वन ऑफ माई कलीग्स मेरे कलीग्स में से एक जो है वो क्या है होम्योपैथी में एक्सपर्ट है तो इज एन एक्सपर्ट इज सही है इसके लिए एक्सपर्ट के पहले एन आता है सही है सब कुछ ठीक है तो हैज़ एक्सपर्टाइज इज एन एक्सपर्ट में कोई चेंज कोई गलती नहीं है तो उसको हम लोग इंप्रूव नहीं करेंगे नो no इंप्रूवमेंट इसका राइट आंसर है ठीक है चलिए इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस आज के खत्म होते हैं ये आप लोगों को टास्क मैंने दे दिया है उससे पहले 12 बजे वाले सेशंस को आप लोग देखेंगे और तीसरी बात सेशन हमारा क्योंकि ओवर हो गया तो ना वुड आस्क कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और अगर आपको जेन्यनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो भी दोस्त हैं अपने कज़न्स हैं जो भाई बहन जो भी हैं उनके साथ आप लोग उसको शेयर ज़रूर करें और ये बता के करें एक पर्सनल लाइन के लिए एक मिनट आपको ज़रूर एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन वो एक्स्ट्रा आपका एक मिनट वो मुझे बहुत हेल्प करेगा अगर आप लिख के बताएंगे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये सेशन ज़रूर देखें तो

बट लाइक like नहीं करना होता तो आप अगर ऐसा है तो ना करें अगर आप लोग नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं और आने वाली हैं जो आपके लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है राइट तो देखते रहिए हमारे चैनल को हमारे हर एक वीडियो को और नोटिफिकेशन ऑन रखिए रिमाइंडर सेट कर लीजिए बारह बजे की क्लास में फिर से हम लोग मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर थैंक यू वेरी मच पी मिल जाएगा इंडिया स्टडीज टेलीग्राम पर मिलेंगे वहां पे Thank you very much.